Hello students, welcome back to the part 2 of biological classification. Kal humne kiya tha kingdom monera. Kingdom monera mein types of bacteria and everything about bacteria. Aaj hum start karne wale hain kingdom protista. So let us start. Kingdom Protista, it includes single celled eukaryotes. Kingdom Protista ke sirf aur sirf ek hi condition hai ki jitne bhi organisms honge, first of all they will be the single celled, and the second condition is that they have to be eukaryotes. Single celled eukaryotes are the protists. Koi bhi single celled hai and uska cell jo eukaryote hai, that is protista. इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बिकॉज इनके पास यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दे आर हैविंग अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एज वेल सम हैव फ्लैजेला और सीलिया सी हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा मोटाइल भी हो सकते हैं नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं सेल वॉल के बिना भी हो सकते हैं सेल वॉल के साथ भी हो सकते हैं एंड अगर फ्लैजिला या सीलिया इनमें एब्सेंट है या प्रेजेंट है दैट इज नॉट एन इंडिकेशन अबाउट कि ये जो प्रोटिस्टेंस हैं वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है सी प्रोटिस्ट आर प्राइमरली एक्वेटिक ज्यादातर प्रोटिस्ट होते हैं वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं एक्वेटिक मतलब वाटर में रहते हैं आइदर दे कैन बी फ्रेश वाटर एल्गी फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट और मैरीन वाटर प्रोटिस्ट प्रोटिस्टेंस जो होते हैं दे आर लिविंग इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट आइदर इन द फ्रेश वाटर और इन द मरीन वाटर इट इज लिंक विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई प्रोटिस्टेंस हैव प्रोटिस्टेंस लोअर प्लांट्स को लोअर बैक्टीरियंस को बेसिकली प्लांट्स के साथ कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई सम कैरेक्टर्स इनमें एनिमल्स लाइक है वो क्या है कि एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल एंड मोटिलिटी सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक है वो क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई लाइक है हाउ बिकॉज दे कैन बी पैरासिटिक Now, they reproduce asexually and sexually. Asexual reproduction भी हो सकती है और sexual reproduction भी हो सकती है. The next thing is the classes or the divisions of kingdom Monera. Oh, sorry, Protista. Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoans. Kingdom Protista में पांच डिविजन्स आती हैं क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लैजेलेट्स यूग्लेनॉइड्स स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स नाउ द फर्स्ट डिविजन इज क्राइजोफाइट क्राइजोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर हमने पढ़ा है कि प्रोटिस्ट जो है सभी प्रोटिस्ट एक्वेटिक होते हैं Mostly protists aquatic होते हैं. Aquatic में they can be fresh water or they can be marine water. ये microscopic होते हैं. Without microscope we are not able to see them and float passively in water currents like planktons. Water current के साथ ये flow करते हैं passively. अपनी कोई energy नहीं लगाते हैं swimming में. Just they float with the water currents. Most of them are photosynthetic. कौन Chrysophytes are mostly photosynthetic. It includes diatoms and golden algae. It includes diatoms and desmids. Golden algae का दूसरा नाम है desmids. अगर आपको पूछा जाए what is golden algae, you have to write golden algae is a protist. अगर आपको पूछा जाए what is blue green algae, तो you will tell that blue green algae is a cyanobacteria. मतलब monera. ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ मोनेरा गोल्डन एल्गी इज अ प्रोटिस्ट ठीक है
क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते होते हैं. नाउ लेट अस रीड अबाउट द डायटम्स. डायटम्स की स्पेशलिटी क्या है एंड क्यों इसको इंक्लूड किया गया है स्पेशली हमारे स्टडी मटेरियल में. बिकॉज डायटम्स हैव सिलिशियस सेल वॉल्स. इनकी जो सेल वॉल्स है वो सिलिकन की बनी होती है बेसिकली, जो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है. मतलब द फर्स्ट शेल इज दिस वन इज द फर्स्ट शेल एंड दिस वन इज द सेकेंड शेल. ये जो शेल्स हैं ये आपस में कुछ इस तरीके से फिट होते हैं जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स. सोप बॉक्स को बंद कर जाओ तो वो बंद हो जाता है ना, और उसको अगर ओपन करने की कोशिश करते हैं वो ओपन. वैसे ही इनके शेल्स होते हैं. ये शेल्स है जो ये बने होते हैं सिलिशियस सेल वॉल्स. डायटम्स ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं. ओशंस में, ओनली इन द केस ऑफ ओशंस डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स. हमारे पास और भी वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, सी होती है, रिवर होता है एंड एवरीथिंग एल्स. ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमारे, मतलब कि ऑल ओवर द अर्थ के, ये वेरी करता है. ये आपको बाद में पता चलेगा जब आपका ये डाइवर्सिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है. सिर्फ डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस ओनली. द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटम्स ओवर बिलियंस ऑफ इयर्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डायटमिशियस अर्थ. Cell wall deposit of diatoms of over billions of years in their habitat is known as, this is used in polishing, filtration of oils and syrup. अब देखो इनके पास बहुत सारे designs हैं. You can see this diagram. Diatoms के ऊपर different designs हैं जिसकी वजह से इसको हम filtration के लिए use करते हैं. ठीक है, अब डायटम्स के ऊपर डायटम्स इकट्ठे हो रहे हैं, जब डिपॉजिट हो रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, डायटमिशियस अर्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट डिविजन इज डायनोफ्लैजेलेट्स. डायटमिशियस अर्थ के बारे में आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. जब डायटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसको हम डायटमिशियस अर्थ बोलते हैं. उसको हम यूज करते हैं इन फॉर अवर डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस. सी किंगडम प्रोटिस्टा, डायनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक. ये मैरीन होते हैं, वो क्या थे, एक्वाटिक थे. मतलब की बेसिकली जो प्रोटिस्टेंट्स है दे आर एक्वाटिक. Diatoms were found both in marine and freshwater habitat. Basically, they were the chief producers in the oceans. And अब dinoflagellates हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट्स जो प्रेजेंट है इन देयर सेल्स. अब ये देखो, ये जो diatom है दैट इज पर्पल इन कलर. बेसिकली ये पर्पल है. दिस वन इज द ब्लू, दिस वन ऑल्सो ब्लू, दिस इज द ब्राउन, दिस वन इज अ ब्राउन. तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट उनके ऊपर प्रेजेंट है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस, जिसकी वजह से इनको स्पेशल पैटर्न एग्जिबिट करने को मिलते हैं. दे एग्जिबिट स्पेशल काइंड्स ऑफ पैटर्न्स. ठीक है, ये चीज समझ आ गई. डायटमिशियस डायटम्स में क्या था, डायटम्स में उनके पास सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर फिट होने वाले सेल वॉल्स थे. इनके पास सेल वॉल की लेयर्स हैं, सेलुलोज प्लेट्स हैं, जो उनको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न एग्जिबिट करने में बनाती है. नाउ रेडिटाइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बताते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, अदर लाइज ट्रांसवर्सली. मतलब की एक होगा लॉन्गिट्यूडनल वाली साइड लॉन्गली, जो दूसरा होगा दैट विल बी ऑल्टरनेट टू द लॉन्ग फ्लैजेला इन अ फरो बिटवीन वेल वॉल वॉल प्लेट्स. सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, सेलुलोज प्लेट्स के अंदर फर्स्ट है जो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है एंड सेकेंड होता है जो दैट इज ट्रांसवर्सल. 90 डिग्री पे होते हैं ये दोनों फ्लैजेला. रेड डायनोफ्लैजेलेट्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन
रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ओशंस में बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो रेड टाइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उनके पास टॉक्सिंस होते हैं, इसके एग्जांपल गोनियालैक्स। गोनियालैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस इन रेड टाइड। एंड ये कैसे हार्मफुल होते हैं, बिकॉज दे रिलीज टॉक्सिंस। टॉक्सिंस रिलीज करने की वजह से दीज डायनोफ्लैजिलेट्स आर हार्मफुल टू अस। Now the next thing is eugenoids. Mainly freshwater organisms found in stagnant water. Freshwater मतलब seas and oceans में नहीं मिलते हैं। Euglena जो होता है that is present in freshwater stagnant, जहां पे पानी खड़ा हो जाता है, basically in ponds. Ponds में ये जो आप greenery देखते हो that is not because of algae. Majorly algae की वजह से भी होती है, but Euglenoids भी यहीं पे ग्रो करते हैं। दे आर प्रोटिस्ट, बोथ एल्गी एंड द प्रोटिस्ट मिलके यहाँ पे ग्रो करते हैं गंदे पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। अब रिलेट करके देखो, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला थे, ठीक है, वन लॉन्गिट्यूडनल अदर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे कौन से, यहाँ पे भी दो फ्लैजिला, वन इज शॉर्ट एंड अनदर इज लॉन्ग। अब इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। नाउ आउटर लेयर ऑफ ल्यूगिनिनॉइड्स इज मेड अप ऑफ पेलिकल। पेलिकल इज अ प्रोटीन रिच लेयर। व्हाट इज पेलिकल एंड ल्यूगिनिनॉइड्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको इसी लाइन में से। Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. It gives a flexibility to the body. Now the next thing is, they are photosynthetic in the presence of sunlight. In the absence of sunlight, they behave as heterotrophs. मतलब ये photosynthesize भी कर सकते हैं, heterotrophic food भी ले सकते हैं, ठीक है? Predating on other organisms, मतलब smaller organisms. यूग्लिना इसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। यूग्लिना के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इसीलिए वो फोटोसिंथेसाइज भी कर सकती है। ऑन द अदर हैंड इट कैन आल्सो हैव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनके जो पिगमेंट्स हैं दे आर हाईली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये जो यूग्लिना है ना, यूग्लिना को प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का एक लिंक माना जाता था पहले। अब मतलब इट बिहेव्स एज अ लिंक। हाउ? प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी है ऑटोट्रॉफिज्म, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लोकोमोशन एंड हेटरोट्रॉफिज्म। इसलिए नाउ नेक्स्ट क्लास इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, दे आर डिकम्पोजिंग इन नेचर। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. इनकी जो body है, देखो ये जो protists आपको दिख रहे हैं, these are the slime molds. Slime molds saprotrophic होते हैं in nature. ये cluster में इतने ज्यादा present होते हैं जब ये grow करते हैं with the help of इनके जो aggregation को, मतलब कि cellular aggregation को plasmodium बोलते हैं। एंड ये प्लाज्मोडियम काफी फीट तक फैल सकता है। दे आर रियली वेरी डिस्गस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, बट स्टिल एज दे आर डिकम्पोजर्स दे हेल्प इन क्लीनिंग अवर एनवायरमेंट अलॉट। Under favorable conditions, plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips. देखो जब conditions favorable है तो इन्होंने क्या बना ली, ये fruiting bodies हैं जहाँ पे spores grow करते हैं। और जब conditions unfavorable है तो उन्होंने क्या बना लिया, plasmodium बना लिया। plasmodium काफी feet तक फैल सकता है। Spores are dispersed by air currents. Air currents की help से स्पोर्स है जो वो डिस्पर्स होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटोजोन।
But before studying protozoan, let us come back to the other again. हमने चार क्लासेस पढ़ ली है, फोर डिविजन्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, दीज आर क्राइजोफाइट्स, Dinoflagellates, Euglena, and slime molds. जो क्राइजोफाइट्स हैं, बेसिकली उनमें डायटम्स के बारे में पढ़ा था हमने. They are present in marine water and chief producers of oceans. इनके ऊपर special siliceous thickenings present हैं and they have a covering that closes as soap box. ठीक है, Dinoflagellates also have a cell wall with cellulose thickenings. ठीक है, cellulose thickenings होती है, वो भी क्या करती है, pattern exhibit करती है. They have two flagellas and are mainly marine. Okay, Euglena, both plant and animal like features. They have a small flagella and a large flagella. Slime molds. They are totally saprophytes. हाँ, Euglenoids basically. Euglenoids की एक और बात है, that they are freshwater. ठीक है, saprophytes. Slime molds क्या है? Saprophytes है. Their body moves. इसका क्या मतलब है कि उनकी ग्रोथ है जो उसके अकॉर्डिंग होती है. डेड एंड डिकेइंग लीव्स एंड ट्विग्स के अराउंड इनकी जो ग्रोथ है वो होती है. ठीक है, इन द अनफेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म अ प्लास्मोडियम स्ट्रक्चर जिसमें दे फॉर्म अ प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर इन द फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज दैट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ
अब हम करते हैं प्रोटोजोन्स. लास्ट क्लास जो प्रोटोजोन्स है दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. देखो दे आर हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स मतलब प्रीडेट करते हैं या तो, और पैरासाइट्स. दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. इनमें सारे जो फीचर्स होते हैं मेनली दे आर एनिमल लाइक फीचर्स. अब आप देख रहे होंगे जो भी प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा में कोई क्लासेस कोई डिविजन्स ऐसी भी हैं, दे आर टोटली रिजेंबलिंग टू द प्लांट्स. कोई क्लासेस ऐसी हैं, दे आर बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड जैसे कि प्रोटोजोन वाली जो डिविजन है दैट इज टोटली रिजेंबलिंग द एनिमल्स. दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. अब यहाँ पे फोर ग्रुप्स होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स. ठीक है, अब हमें देखने से ही पता चल रहा है प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, जो सिंगल सेल से बने हैं और जिसका सेल जो है वो यूकैरियोटिक है. दीज आर द प्रोटिस्टेंट्स. तो वैसे एनिमल लाइक सेल्स जिनका अमीबा की तरह स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वन यू कैन सी अमीबा, ये अमीबा ही है जिसकी कोई शेप नहीं होती. सारे प्रोटिस्टेंट्स जो इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है दे आर अमीबा लाइक, इनकी कोई भी शेप नहीं है. नेक्स्ट आर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जिनमें दिस वन इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. इसमें आपको दिख रहा है ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. दीज आर द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. दिस वन इज द सीलिएटेड प्रोटोजोन. इसमें आता है पैरामीशियम, हमारा पैरामीशियम. पैरामीशियम के अराउंड क्या होते हैं, सीलियाज होते हैं सारे. एंड दिस वन इज द स्पोरोजोन, ये है हमारा प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पोरोजोन. अब आपको समझ आ गया होगा कि सारी हेटरोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉप्स है मतलब प्रीडेटर्स है या पैरासाइट्स है. जैसे कि प्लाज्मोडियम वो क्या करता है, हमें अटैक करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, हमें मलेरिया कॉज करता है. ऑन द अदर हैंड अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में हमें पता है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्रीडेट करते हैं ऑन द स्मॉलर, उनसे भी छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनपे प्रीडेट करते हैं. एंड इनका जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ लेट अस रीड अबाउट फर्स्ट क्लास द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. दे लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर और इन द मॉइस्ट सॉइल. दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स पी. सूडोपोडिया की हेल्प से फूड वैक्यूल को ये फॉर्म करते हैं. फूड पार्टिकल जो भी बाहर पड़ा है इनकी बॉडी में, बॉडी से उसको कैप्चर करके अपनी बॉडी में ले आते हैं और उसको क्या बना लेते हैं, फूड वैक्यूल. Marine forms have silica shells on their surface. जो मैरीन होते हैं, जो aquatic होते हैं, like fresh water होते हैं, sorry, जो fresh water होते हैं अमीबा की तरह, वो तो simple होते हैं, उनके उनके बाहर कोई भी shell नहीं होता. जैसे हमने structure of amoeba 10th class में पढ़ा ही था, उसमें कोई भी shell नहीं था, ठीक है. But जो marine एनवायरमेंट में रहते हैं उनके अराउंड क्या होते हैं, सिलिका शेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैरीन एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए. सम आर पैरासाइट्स, एग्जांपल एंटामीबा. एंटामीबा क्या होता है, एंटामीबा इज द वन दैट कॉजेस फूड पॉइजनिंग इन ऑर्गेनिज्म. अमीबिक डाइसेंट्री कॉज कर देता है जो, दैट इज द एंटामीबा, ठीक है. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंडर ये वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं. द फर्स्ट वन इज द अमीबा इटसेल्फ एंड सेकेंड वन इज द एंट अमीबा. Now, flagellated protozoans में आपने ट्राइपैनोसोमा का नाम सुना ही होगा. ट्राइपैनोसोमा के पास क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है, दैट इज अ प्रोटोजोआ एंड दैट इज अ पैरासाइट एज वेल, ठीक है. ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और ये पैरासाइट भी होता है.
as you know, CC fly. This is the CC fly. ये क्या है? This one is the CC fly. CC fly जब किसी को काट देती है तो उस ऑर्गेनिज्म को इतनी ज्यादा नींद आती है, इतनी ज्यादा नींद आती है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी खत्म होती है एंड फैटीग, फैटीग वो पर्सन हमेशा फैटीग फील करता रहता है हर टाइम, इसी वजह से इस डिसीज का नाम है स्लीपिंग सिकनेस एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है सोते हुए। साउथ अफ्रीका में ये बहुत कॉमन डिसीज है, मतलब कि साउदर्न साइड में बेसिकली, हमारे इंडिया में ऐसी कोई डिसीज नहीं। नेक्स्ट वन इज द सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं जो दे आर एक्वाटिक, मूव एक्टिवली यूजिंग द सीलिया एंड दे हैव अ कैविटी। जैसे कि हमने अमीबा के न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि अमीबा में किसी भी साइड में वो फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेगा, फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने के बाद उसमें फूड वैक्यूल बन जाएगा। बट पैरामीशिया में हमने पढ़ा था कि ओरल ग्रूव होता है, ओरल ग्रूव के बाद एक ओरल कैविटी, एक गलेट पार्ट होता है जिससे फूड एंटर होता है एंड एक एनल पोर होता है जिससे फूड बाहर निकलता है। ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया वॉटर विद फूड एंटर्स इन टू द गलेट, एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है, दिस वन इज द गलेट पार्ट, यहां से फूड एंटर करके डाइजेस्ट होने के बाद एनल पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, तो लास्ट कैटेगरी है जो हमारी प्रोटोजोअन्स में, दैट इज द स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स हैव एन इंफेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल जो डिसीज कॉज करती है, जो पैरासाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के चार स्पीशीज होते हैं, फेल्जीबेरम, वाइवैक्स, मलेरियाई एंड ओवेल। ओके, एंड यू नो दैट प्लाज्मोडियम कॉज द मलेरिया। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड इसका जो सेल होता है दैट इज यूकैरियोटिक। तो एज यू कैन सी हियर, प्लाज्मोडियम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीरोजोइट इज द कोट ऑफ द प्लाज्मोडियम, देन राइबोसोम्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, माइक्रोटिब्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, पोलर रिंग्स हैं जो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं, इसके पास भी एपिकल एंड डिस्टल एंड दोनों एंड्स प्रेजेंट हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, ये सक्सेसफुली बेसिकली इंफेक्शन कॉज करने में कामयाब होता है। सो नाउ let us again read about the category of protozoans. Protozoans kya hote hain basically? Protozoans are protozoans ki humne char classes padhi hain. First one is the amoeboid, flagellate, ciliated and sporozoites. Amoeboid में examples जो आएंगी that will be of amoeba and ant amoeba. Due to the presence of this whiteboard ना, ये whiteboard में ना हमारे पास feature नहीं है italics का, तो इसको अंडरलाइन ही कर देती हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको इटैलिक्स में लिखना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट कि कोई भी साइंटिफिक नेम है हम उसको इटैलिक्स में ही लिखते हैं। फ्लैजिलेट में कौन है? ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, दिस इज आल्सो अगेन अ साइंटिफिक नेम, तो इसका टी कैपिटल एंड वी विल अंडरलाइन इट। सीलिएटेड का यहाँ पे लिख देते हैं नाम एंड स्पोरोजॉइड्स का यहाँ पे लिख देते हैं।
सिलिएटेड कौन से होते हैं? पैरामीशियम, पैरामीशियम। एंड स्पोरोजॉइट्स में कौन आता है? प्लाज्मोडियम। अमीबा, अमीबा मतलब कि इनमें बेसिकली कोई भी इट इज नॉट एडिटेबल, एडिटेबल भी नहीं है ये, बट मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। पीस का कैपिटल आना था एंड आई एम नॉट एबल टू एडिट इट नाउ, ऐसी इसको पी कैपिटल कर देते हैं इसका एक बार, पी प्लाज्मोडियम। ओके नाउ सी दैट अमीबा है, इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। ये क्या होते हैं? ये होलोजोइक इन नेचर होते हैं। ट्रिपैनोसोमा क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, पैरासिटिक एंड फ्री लिविंग बोथ। सिलिएटेड में, पैरामीशियम में क्या होता है, जैसे अमीबा में कोई ऑरल ग्रूव या एनल पोर नहीं होता, पैरामीशियम में बोथ होते हैं, एक ऑरल ग्रूव जिसको हम गलेट बोलते हैं, वन एनल पोर। एंड इसकी फुल बॉडी के अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारे सीलियाज होते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो अ पैरासाइट दैट कॉजेज इन्फेक्शंस, इट इज अ काइंड ऑफ स्पोरोजॉइट। इसमें एक स्पोर लाइक स्टेज होती है जो इन्फेक्शन कॉज करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट किंगडम दैट इज फंजाई।